नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। चिमक पंचायत के अंतर्गत आने वाले 8 नंबर आदिवासी दफाई में अधिक वर्षों से बेची जा रही कच्ची देशी शराब, जिसमें कई आदिवासी परिवारों के घर गृहस्थी का सामान बेचकर आदिवासी लोग पी गए हैं शराब। अब बच्चों के लिए एक वक्त का खाना तक नहीं नसीब हो पा रहा है। हम लोगों ने इन कंजरों से कई बार मना किया है, फिर भी अभी तक नहीं माने हैं। जब जाकर हम लोगों ने सोमवार की दोपहर करीब 12 बजे अधिक आदिवासी महिलाओं ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि हम लोग कंजारों का शराब नहीं बेचने देंगे और हम लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। हमारा नाम मुल्लू। कहाँ की रहने वाली हो? 8 नंबर दफाई की। अच्छा, जो आज जो सारी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हुई है, किस विषय के लिए हुई है? दारू, इसलिए दारू दफाई में नहीं बेचेंगे। जी, दारू कितने सालों से बेच रही है? 5-6 साल हो गई हमको, 5-6 साल से। अब जब से भगा रहे हैं बिने, वे नहीं भगते हैं। मारा पट्टी चावल मावल जो सोसाइटी में मिलता है वो सब बेच देते हैं। पी पी के घर पे चढ़ जाते हैं, पट्टियाँ पोतते हैं, सब करते हैं। और कहते बोलते हैं मिलते सुबह मार। सोसाइटी पर चावल मिले थे, वो वे बेच रहे हैं पूरे। अब बताओ, जो बीवी बच्चा कैसे पलेंगे? चावल आदमी बेच रहे हैं पूरी, तो बहु बेटियाँ राणे हो गई जिनने पूरे मार डाले आदमी। थोड़े और बचे आएंगे सुबह, वो चुनौती दे दे कर जा रहे हैं। जय और आज जय और मारते होंगे, यही बेच बेच के जाए मारे। हम दफाई में नहीं बेच रहे। नहीं, आपने विरोध नहीं किया पहले? पहले किया हमने, कब? 5-6 साल हो गई। तब क्या बार कह चुके हैं, क्या बार हमने भगा चुके हैं। चीन और जाते हैं, रिपोर्ट नहीं लेते हैं, कोई नहीं सुनती हमारी। कितनी साल से बेच रहे हैं? 5-6 साल हो गए। तो 15-20 समय पूरा, किसमें सियाने में आने सब मर गए। अब हमें यहाँ गए, सब आदमी सब पूरे मर गए। क्या चाहते हो तुम? हम यहाँ पे नहीं रखन देंगे, दारू नहीं बेचन देंगे। अपने घर पे भी जहाँ है तहाँ रहेंगे, तो वहीं बेचेंगे। अब कहाँ जाओगे आप? हम चीन और जाएंगे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने। हाँ, चीन और नहीं सुनेंगे तो ऊपर जाएंगे।